पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविवारिणे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्या ये विरोध दिखा रहे हैं कि मन सैवानुद्रष्टव्य मन सैवेदम आप्तव्यम दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। ये सब तो मन के द्वारा आत्मदर्शन का कथन कर रही ये श्रुतियाँ स्मृति आदि। और दूसरी अन्य श्रुति स्मृति है कि यतो वाचो निवर्तन्ते या प्राप्य मनसा सह यन मनसा न मनुते और अन्य देव तद्विदिता दत्वा विदिता दधि। है ना कि जो ब्रह्म वेद्य नहीं है इस तरह से वो तो श्रुति स्मृति जो कह रही है कि उसमें ज्ञान विषय तो नहीं है किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है तो परस्पर विरोध हो रहा है। परस्पर विरोध की आशंका करके परिहार कर रहे एवं च सति। मूल में एवं च सति मन सैवानुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयो श्रुत्योः अविरोधो। इन दोनों श्रुतियों का विरोध कैसे होगा तो बोल रहे कि वृत्ति व्याप्यत अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादना। वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार करके वृत्ति की व्याप्ति वृत्ति व्याप्यत्व जिसमें व्याप्ति रहे उसे क्या कहते हैं व्याप्य। मतलब वृत्ति व्याप्यत्व में वृत्ति का जो है संबंध है एक बन गया। वृत्ति व्याप्ति मतलब व्याप्ति एक संबंध होता है ना। जैसे धो वाणी की व्याप्ति धूम में है धूम में वाणी की व्याप्ति है धूम में। मतलब एक संबंध है कि जहाँ मतलब कि धूमाधिकरण कि धूम के वाण्य भावाधिकरण में आवृत्तित्व रूपी संबंध एक संबंध है ना। ये वृत्ति व्याप्ति एक सब व्याप्ति है नहीं संबंध है। तो वृत्ति व्याप्ति मतलब वृत्ति का संबंध है तो बनेगा ब्रह्म में किंतु फल व्याप्ति नहीं हो यानी फल जन्य अतिशय उसमें नहीं आए। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय उस परमात्मा में नहीं आता है। और वृत्ति का विषय कौन है ये तो अभी आ ही गया था एक दो दिन पहले ही आ गया था कि वह चित्त वृत्ति शुद्ध ब्रह्म को विषय नहीं करती है बल्कि अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक्ष अभिन्न ब्रह्म को विषय करती है। ये तो अभी हाँ तो मतलब विशिष्ट को विषय करती शुद्ध को नहीं ये भी बता दिया गया। तो इसलिए इन दोनों श्रुतियों का विरोध कैसे है वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। वृत्ति का व्याप्यत्व है वृत्ति संबंध को स्वीकार करके और फल फल संबंध फल व्याप्ति का प्रतिषेध का प्रतिपादन होने से दोनों श्रुतियां बन जाएगी। जो मन सैवानुद्रष्टव्य वृत्ति व्याप्ति का कथन कर रही है और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह फल व्याप्ति का निषेध कर रही है। तदुक्तम इसी बात को पंचदशी में श्लोक नंबर 90 91 92 इन श्लोकों में आया है। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र के कृद्भिर निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षिता। ये जो है इसलिए श्लोक तो जरूर रट लेना। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृद्भिर निवारितम है ना। शास्त्रकारों के द्वारा विद्वानों के द्वारा फल व्याप्ति का ही ब्रह्म में निवारण किया गया है। फल व्याप्ति फल फल व्याप्ति का मतलब क्या है। फल का मतलब वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते हैं फल। सामान्य रूप से यहाँ टीका में थोड़ा सा अलग अर्थ करेंगे। सामान्य रूप से यही हर जगह टीका कार्य है कि वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल उस चैतन्य जन्य अतिशय आता है विषय में। जैसे घट रखा हुआ है जब तक आपने घट की तरफ नहीं देखा घट के विषय में आपके अंदर क्या है अज्ञान।
घट विषय विषय का ज्ञान है। तो जैसे आपने उधर आंख उठा के ऐसे देखा, आपके चक्षु के माध्यम से अंतःकरण कहाँ जाएगा, विषय देश में जाएगा, और उसी विषय देश में विषयाकार अंतःकरण का परिणाम होगा। उस परिणाम को क्या कहते हैं, वृत्ति। तो उस वृत्ति का संबंध बनेगा वो घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ में, वो चैतन्य के साथ में संबंध हुआ तो क्या करेगा वो, उस चैतन्य निष्ठ जो अज्ञान है उस अज्ञान को क्या है, वो दूर कर देगा अज्ञान को। भाई प्रमात्री चैतन्य और विषय चैतन्य प्रमा, ये दोनों अभेद हो जाता है ना। हाँ, इस तो इसे सब दिखाए वेदांत परिभाषा में दिखाए हैं। तो अज्ञान को, तो मतलब ये कि आवरण वृत्ति क्या करेगी, आवरण को दूर कर देगी, और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जो चिदाभास है वह क्या करेंगे, वो चिदाभास जन्य अतिशय विषय में आएगा, यानी अतिशय मतलब चमक आएगा विषय में, अतिशय मतलब चमक, कुछ जैसे कुछ ऐसे कर दिए तो उधर प्रकाश इधर आ गया तो थोड़ा सा प्रकाश हो गया ना, इसी प्रकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय वो विषय में आएगा तो विषय का प्रकाशन हो जाता है। अच्छा, साउंड नहीं। तो देखो, वृत्ति तस्थ चिदाभासौ द्वावेतो व्यापनुतो घटम, हाँ, तत्रा ज्ञानम धिया न सेत आभासे न घट स्फुरेत। ये जो यही सातवें अध्याय का ही ये 90-91 श्लोक है ना, इसके पहले ही आपको मिल जाएगा वो श्लोक, इसी में ही है सर, पिछली साइड। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, मुझे तो याद है कि वृत्ति तस्थ चिदाभासौ, वृत्ति और वृत्ति में जो प्रतिफलित होगा चिदाभास, ठीक है, द्वावेतौ व्याप्नुतौ घटम, दोनों घट को व्याप्त करेंगे, यानी दोनों का घट रूपी विषय के साथ संबंध, कोई भी विषय है विषय के साथ दोनों का संबंध होगा, किसका किसका, वृत्ति का और वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास का, दोनों विषय को व्याप्त करेंगे, विषय के साथ दोनों का संबंध होगा। तो वृत्ति क्या करेगी, चिदाभास क्या करेगा, तत्रा ज्ञानम धिया नस्यत, वो जो अज्ञान, अज्ञान से ढका हुआ है विषय, विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान, विषय में अज्ञान मतलब विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान है, अज्ञान से ढका हुआ है इसलिए विषय का प्रकाशन नहीं हो रहा है। तो जब वृत्ति का संबंध बना विषय के साथ, वो वृत्ति क्या करेगी, उस विषय निष्ठ विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान को दूर कर देगी, आवरण को दूर कर देगी, और जो वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास है वह विषय को प्रकाशित कर देगा। तो वहां तो क्या होता है कि विषय में जो जड़ विषय है, विषय तो जड़ है, वह स्वयं प्रकाशमान तो है नहीं, इसलिए वहां वृत्ति का भी संबंध चाहिए, फल का भी संबंध चाहिए। फल का मतलब कोई आम का फल नहीं समझना, फल मतलब वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते फल, वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास उसी को फल कहते हैं। तो फल व्याप्ति मतलब उस चिदाभास जन्य अतिशय जहां आ गया ना, उसी को फल व्याप्ति कहते हैं। तो मतलब वृत्ति ने विषय निष्ठ अज्ञान को नष्ट किया और वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास से उस विषय में अतिशय आ गया, विषय प्रकाशित हो गया। ते सामान्य प्रक्रिया हर जगह है, लेकिन जो ब्रह्म है, ब्रह्म में अज्ञान तो है, ब्रह्म विषय का ज्ञान है, ब्रह्म विषय का ज्ञान है, इसलिए मैं भाई ब्रह्म को किसी से भी पूछो, भाई तुम ब्रह्म को जानते हो क्या, भाई मैं नहीं जानता, अभी हम लोग सुन के रखे, हाँ सुन रखा हो लेकिन अनुभव तो नहीं आया अभी, ऐसे कहेंगे, सुन तो रखा हो कि हाँ वही मेरी आत्मा है लेकिन मैं तो सुखी दुखी रहता हूँ। जैसे नारद जी जाके बोले सनत कुमार जी को कि सोहम भगवा सोचामि, इतना मैंने अध्ययन किया तो भी मैं शोक करता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, ऐसा वो बोले, बहुत परेशानी, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तापों से त्रस्त हूँ। तो मतलब ब्रह्म विषय का ज्ञान है, तो अब अज्ञान जब श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, जब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी,
तो वृत्ति जो है ब्रह्म को विषय करेगी, ब्रह्म विषयक वृत्ति बनी अखंडाकार, अखंड ब्रह्म विषयक वृत्ति बनी। अखंड ब्रह्म विषयक वृत्ति को ही क्या कहते हैं, घट अखंडाकार वृत्ति। जैसे घट विषयक वृत्ति को क्या कहेंगे, घटाकार वृत्ति। ऐसे अखंड ब्रह्म विषयक वृत्ति को क्या कहेंगे, अखंडाकार वृत्ति। उस वृत्ति का क्या हुआ, चैतन्य के ब्रह्म के साथ संबंध बना। अब कौन से ब्रह्म के साथ संबंध बना ये सब बता दिए, पीछे पूर्व हमें आ चुका है। तो वो वृत्ति का संबंध बनने से उस ब्रह्मनिष्ठ अज्ञान, वो ज्ञान और अज्ञान का विरोध है। वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है, वृत्ति। हाँ हाँ, इसलिए वृत्तो ज्ञान तो विचारत। तो ज्ञान से क्या होगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, वृत्ति से जो है अज्ञान हट जाएगा। लेकिन वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास इस ब्रह्म रूपी विषय में कोई अतिशय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। इसलिए वृत्ति व्याप्ति मानते हैं और फल व्याप्ति नहीं मानते। देखो ये बता दी, तदुक्तम फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृतभिर निवारितम। फल व्या इस बात को पंचदशी में भी वहां पे आप देख लेना, जो श्लोक बताया, वृत्ति तस्थ चिदाभासो द्वावेतौ व्याप्नुतौ घटम तत्रा ज्ञानम धिया न सेत आभासे न घटा स्फुरेत। एकदम स्पष्ट रूप से वहां बताए हैं, वही सातवें अध्याय के 90-92 श्लोक यहाँ दिए है ना, और आगे वो तो उसी के पहले ही थोड़ा सा दे दिए है, वो मूल में बता रहे है वहाँ, अगले पृष्ठ में। हाँ अगले पृष्ठ में आ रहा है ना, हाँ अगले पृष्ठ में ही आ रहा है, वह 91 का श्लोक है। हाँ अगले पृष्ठ पे आ रहा है, हमारे इसी में आ रहा है। देखो तो फल व्याप्यत्वमेवासे शास्त्र कृत भी निवारितम। फल व्याप्ति का ही शास्त्रकारों ने, फल व्याप्यत्व मतलब फल व्याप्ति, व्याप्य में क्या रहेगा, व्याप्यत्वम व्याप्ति रहेगी, व्याप्यत्व रहेगा, व्याप्ति ही व्याप्यत्व है। व्याप्य धूम वाणी, व्याप्य धूम है, उसमें क्या रहेगा, वाणी वाणी व्याप्यत्वम यानी वाणी व्याप्ति। तो फल व्याप्यत्व मतलब फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्यत्व का अर्थ है वृत्ति व्याप्ति। तो फल व्याप्यत्व एवासे शास्त्रकृत भी निवारितम, शास्त्रकारों के द्वारा फल व्याप्ति का ही निराकरण किया गया है। ब्रह्मण्य अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, अपेक्षित है, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना वृत्ति के, वृत्ति व्याप्ति के वृत्ति का संबंध बने बिना अज्ञान नष्ट नहीं होगा। वृत्ति व्याप्ति मतलब वृत्ति का संबंध बनेगा ब्रह्म के साथ, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, यही वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति का संबंध बन गया विषय के साथ, यही से कहते वृत्ति व्याप्ति। जैसे यहाँ प्रकाश जला दिए, प्रकाश यहाँ व्याप्त हो गया कि नहीं, प्रकाश का संबंध हो गया, अंधकार दूर हो गया, तो प्रकाश की व्याप्ति हो गई ना, मतलब प्रकाश का संबंध यहाँ पे हो गया, तो इसी को व्याप्ति कहते। तो ब्रह्मण्य अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता इति। स्वयं प्रकाश मानत्वात् नाभास उपयुज्यते, क्योंकि यहाँ विषय कोई जड़ नहीं है, स्वयं प्रकाश है, इसलिए चिदाभास की कोई उपयोगिता नहीं है, फल व्याप्ति की कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए चिदाभास जनित अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा। इति च, ये दोनों बातें समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ श्लोकों में भी वृत्ति व्याप्ति का समर्थन किए और फल व्याप्ति का निषेध किया गया, क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं है। टीका में देख लीजिए, एवं उक्त प्रकारेण अज्ञात चैतन्य से वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण। अज्ञात चैतन्य, ब्रह्म को नहीं जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, जो ज्ञात नहीं उसे क्या कहोगे, अज्ञात। ब्रह्म को नहीं जानते, अनुभव नहीं किए है, तो ब्रह्म क्या है, अज्ञात। तो जब श्रवण आदि, श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे तो अज्ञात चैतन्य विषयक वृत्ति बनेगी। तो अज्ञात चैतन्य से वृत्ति व्याप्य तो अंगीकार, अज्ञात चैतन्य में वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार किया है शास्त्रकारों ने। तो वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार करने से फल व्याप्यत्व प्रतिसिद्धे सति, और फल व्याप्ति को स्वीकार नहीं किए, फल व्याप्ति का निषेध किए है, तो ऐसा होने पर दोनों जो है श्रुतियों का विरोध नहीं है। मन सैवानुद्रष्टव्यम और यन मनसा न मनुते, इन दोनों प्रकार की श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। तदेव आह, इसी बात को दिखा दे, वृत्ति व्याप्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेधनात्, प्रतिषेध प्रतिपादनात्। टीका में आगे,
अंतःकरण वृत्तिर आवरण निवृत्त्यर्थम अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम व्याप्नोति। देखो ये दे दिए, अंतःकरण की जो वृत्ति है आवरण की निवृत्ति करने के लिए अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य को व्याप्त करती है। इत्येतद् वृत्ति व्याप्यत्वम अंगीक्रियते, इसीलिए इस हेतु से यह वृत्ति व्याप्ति को माना जाता है। आवरण की निवृत्ति के लिए अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य के साथ अंतःकरण वृत्ति का संबंध होता है, इसलिए वृत्ति व्याप्यत्व तो माना जाता है आवरण भंग करने के लिए। आवरण भंगानंतरम स्वयं प्रकाशमानम चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते। देखो यहाँ थोड़ा सा अलग दे दिए, प्राय करके हर जगह आपको मिलेगा कि जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, चिदाभास है, उसी को कहते फल चैतन्य। ये टीकाकर थोड़ा सा अलग लिखे हैं, अब इसको थोड़ा सा महाराज जी से भी कभी पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्राय करके मैं तो यही हर बार बताए हैं कि वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को फल कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिखे कि आवरण भंग होने के अनंतर स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को फल चैतन्य कहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो विषय में तो फल व्याप्ति मानते हैं ना, विषय में तो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य कहाँ है, विषय में तो वहाँ घट आदि विषय जड़ है, तो वहाँ पे मतलब चिदाभास जनित अतिशय आता है फल व्याप्ति। हाँ तो ये इसमें दे दिए कि स्वयं प्रकाशमान चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते, तस्मिन फल चैतन्य निष्कलंके चित्त वृत्तिर न व्याप्नोति। उस निष्कलंक यानी दोष से रहित, कलंक यानी दोष, निष्कलंक यानी दोष से रहित उस फल चैतन्य में, चलो ये भी ठीक है कि भाई आवरण भंग हो गया तो जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य, लेकिन ये चिदाभास की बात नहीं आ रही ना, मुख्य बात ये है भाई चिदाभास जो मतलब यहाँ पे तो उपयोगिता नहीं है, वहाँ सामान्य रूप से तो चिदाभास मानते हैं, चिदाभास की उपयोगिता अन्यत्र मानते हैं, कि शायद अगले पेज पे आना चाहिए जो वहाँ वृत्ति तस्थ चिदाभासव द्वावेतो व्याप्नुतो घटम, है ना, वहाँ पे दोनों व्याप्त करेंगे, तो इसमें उस जगह पे ज़्यादा टीका नहीं दी है, उस जगह पे इन्होंने ज़्यादा टीका नहीं दी है। विद्वत मनोरंजनी भी इसको देखना पड़ेगा, है ना, 41 पेज विद्वत मनोरंजनी यानी 28-29वां खंड, खंड 29। कारण कि क्या, एक शब्द जो है जो पारिभाषिक शब्द है फल व्याप्ति, फल का मतलब वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को फल कहते हैं। देखो एवं च विरोध सिद्ध, तो मतलब विशिष्ट शब्दादि प्रमाण बला तत्त विषयाकार धी समुन्मेषाभिव्यक्तत्व, धी समुन समुन्मेषाभिव्यक्तत्व वृत्ति व्याप्तत्व, तो बाह्यद्री सन्निकृष्ट अर्थाकार बाह्यधि परिणामावच्छिन्न चिदंशकृत प्राकट्य आश्रयत्व फल व्याप्यत्व। देखो वहाँ दिए फल व्याप्यत्व का अर्थ दिए वहाँ पे, ये 127 पेज पे देखो विद्वान मनोरंजनी में दिखाए हैं, फल व्याप्यत्व का अर्थ दिखाए है कि बाह्य इंद्रिय सन्निकृष्ट अर्थाकार। देखो बाह्य इंद्रिय हमारी जो चक्षुर इंद्रिय है उससे सन्निष्ट सन्निकृष्ट हुआ 127 पृष्ठ पे मिला फल व्याप्यत्वम, उसके पहले एक पंक्ति पहले वृत्ति व्याप्त, दूसरा पैराग्राफ तीसरी पंक्ति के बाद चौथी पंक्ति देख लेना, है ना, वृत्ति व्याप्यत्व है इसके बाद, तो वृत्ति व्याप्त को पहले दिखाया है, विशिष्ट शब्दादि प्रमाणात प्रमाण बलात् तत्त विषयाकार धी समुन्मेषाभिव्यक्तत्व, विशिष्ट शब्दादि प्रमाण के बल से विषयाकार धी विषयाकार जो बुद्धि हुई, बुद्धि के समुन्मेष प्रकट होने से जो अभिव्यक्त हो जाए वो वृत्ति व्याप्ति, और ये बाह्य इंद्रिय सन्निकृष्ट अर्थाकार बाह्य इंद्रिय चक्षुरादि उससे सन्निकृष्ट हुआ घटादि विषय, तो अर्थाकार जो बाह्यधि परिणाम, अर्थाकार बाह्य अर्थाकार जो बाह्यधि बाह्य वहाँ विषय देश में वृत्ति बनी, तो बाह्यधि परिणामा व छिन्न चिदंश उस बाह्य बुद्धि से परिणाम धी वृत्ति से धी परिणाम यानी वृत्ति वृत्ति से अवच्छिन्न जो चिदंश चिदंश कृत प्राकट्य
चिदंश मतलब जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, यहाँ तो अवच्छिन्न ले लिए, दो मत है प्रतिबिंबवाद अवच्छिन्नवाद। तो वृत्ति वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, वही वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, उससे क्या होगा कि विषयगत अतिशय आ गया ना, विषय प्रकट हो गया। पहले विषय क्या था, अज्ञात था, अज्ञान हट गया तो विषय ज्ञात हो गया, तो विषय क्या हो गया, प्रकट हो गया, ज्ञात हो गया, ज्ञातता। विषय क्या हो गया, पहले घट अज्ञात था, अभी जब जान लिए वृत्ति बनी घट को जान लिए तो ज्ञातता आ गई ना, इसको कहते प्राकट्य, प्रकट हो गया। घट पहले भी था लेकिन प्रकट नहीं था, लेकिन जब वृत्ति बनी तो प्रकट हो गया, मतलब हमें ज्ञात हो गया। तो यही इसी बात को वहां दिखाए, चिदांश कृत प्राकट्य आश्रयत्वम, और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अंश के द्वारा जो प्राकट्य आए उसका आश्रय जो बने, तो फल व्याप्ति। तो फल का अर्थ वहां वही प्राकट्य चिदांश वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, तो यही तो फल आ रहा है ना यहाँ पे, उसके द्वारा जो प्राकट्य आ गया, अतिशय आ गया, वही फल व्याप्ति हो गई। तो मतलब वो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ही वो लेते हैं फल शब्द के द्वारा, ऐसा आरोप आरोप भी देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ फल जो दिए है ना, स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को फल दे दिए है, तो सीधे नहीं, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को फल देते हैं प्राय करके हर जगह है, ऐसा लिया जाता है। लेकिन ये सुबोधनी टीकाकार थोड़ा अलग लिखे है, इसके विषय में थोड़ा कुछ विचार करना जरूरी है, दूसरी थोड़ा महाराज जी से भी पूछ लेंगे बाद में। लेकिन आवरण भंगान अंतरण स्वयं प्रकाशमानम चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते तस्मिन फल चैतन्य निष्कलंके। वो जो फल चैतन्य है दोष से रहित है, उस दोष से रहित फल चैतन्य में चित्त वृत्ति न व्याप्नोती, चित्त वृत्ति उसको व्याप्त नहीं करती है। इति आवरण क्यों, क्योंकि आवरण भंग से प्राग्यो जातत्व, आवरण भंग तो पहले ही उत्पन्न हो गया है, इसलिए वहां पे अच्छा चित्त वृत्ति न व्याप्नोती, निष्कलंक चैतन्य में चित्त वृत्ति वो तो हाँ हाँ जी निष्कलंक 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 वही ठीक कर लीजिए, निष्कलंके निष्कलंके चित्त वृत्ति, निष्कलंक मतलब दोष से रहित, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ जी अरे निष्कलंक कर दीजिए, हाँ निष्कलंके, चलो उसको हम देख के बताएं, हाँ उसको अभी, क्योंकि अभी तो मेरे वो तो उसमें जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसमें वो है वो फाइल, वो इसलिए अभी मैं तुरंत नहीं बता सकता, देख के ही बताना पड़ेगा। तो निष्कलंके ऐसा है हमारे पुस्तक में पाठ, और अलग जो है वो देख के हम बताएंगे। तो देखिए उसमें निष्कलंके चित्त वृत्ति न व्यापनोती, क्यों, क्योंकि आवरण भंग से प्राग्यो जातत्व, आवरण भंग तो पहले से ही हो गया है तो इसलिए प्रयोजन अभाव। अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा विरोध आ रहा है, चित्त वृत्ति न व्याप्नोति, भाई चित्त वृत्ति तो संबंध तो बनता ही है, वृत्ति व्याप्ति तो मानी जाती है ना, तो निष्कलंक में वृत्ति व्याप्ति क्या, वो अज्ञान विशिष्ट जब तक है उसको वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं, फल चैतन्य का निषेध कर रहे हैं ना, तो फल का मतलब ये थोड़ा सा इसमें कुछ अर्थ इसका उतना उचित नहीं जान पड़ रहा है इसको देखने के। आगे देखिए अस्मिन अर्थे ग्रंथांतरम संवादेति तदुक्तम, क्योंकि यहाँ देखो चित्त वृत्ति न व्याप्नोति, भाई चित्त वृत्ति न व्याप्नोति इसके तो मतलब ही नहीं है, वृत्ति व्याप्ति को तो माना ही जाता है ना, फल व्याप्ति का निषेध कर रहे हैं ना, तो चित्त वृत्ति न व्याप्नोति ये कोई जो है फल व्याप्ति होती है कि नहीं होती हम आपसे पूछे और आप मुझे जवाब दो कि चित्त वृत्ति व्याप्त नहीं करती है, अरे मैं फल व्याप्ति की बात बोल रहा हूँ, चित्त वृत्ति कि कौन, चित्त वृत्ति तो मानते हैं, चित्त की वृत्ति की व्याप्ति तो मानी जाती है ना, तो चित्त वृत्ति न व्याप्नोती इसको कैसे कहोगे, चित्त वृत्ति जो है जब वहां पे हाँ शुद्ध चैतन्य में तो अज्ञान विशिष्ट में तो होता है, उसमें तो वृत्ति की व्याप्ति की बात ही नहीं है, वहां तो फल व्याप्ति को बोलते हैं विषय। हाँ जी हाँ जी बोलिए, काचित
अच्छा अच्छा निष्कल, अच्छा काचित, काचित है कोई, अच्छा अच्छा काचित वृत्ति है, कोई बात नहीं उसको देख लेंगे, ऐसा कोई नहीं। ये थोड़ा सा ये दो पंक्ति मुझे जो है जम नहीं रहा है, इसको हम बाद में विचार करके बताएंगे, ठीक है। महाराज जी से भी थोड़ा पूछ लेंगे, ये थोड़ा कुछ विरुद्ध लग रहा है ना। हाँ देखिए आगे, अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतरम संवादयति तदुक्तम इति, इसी अर्थ में अन्य ग्रंथ का संवाद सम्मति रूप से यहाँ प्रस्तुत करते हैं तदुक्तम, क्योंकि पंचदशी में भी कहा गया है वृत्ति फल व्याप्यत्वमेव शास्त्रकृत निवारितम। इसका अर्थ करें देखिए, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्याभासस्यापि फल चैतन्य प्रकाशकत्वम न। देखो ये दोनों को अलग अलग कर रहे, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्याभास को अलग ले रहे और फल चैतन्य को तो बता रहे कि मतलब जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य है वो फल चैतन्य उसको मान रहे। तो फल चैतन्य प्रकाशकत्वम न इत्यत्रापि सम्मति मा, तो मतलब वो चिदाभास फल चैतन्य, वो तो ठीक है चिदाभास तो प्रकाशन नहीं करता, किंतु तो फल चैतन्य उसको स्वयं प्रकाश को फल चैतन्य नहीं कहते। फल तो वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य हुआ है उसी को फल चैतन्य कहते, उसको ही फल चैतन्य प्राय करके अन्यत्र ऐसा ही आता है। ऐसा देखिए स्वयं प्रकाश मान, देखिए इदानीम जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्तेर ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया वैलक्षण्यम दर्शयितुम, है ना। आ जड़ पदार्थ थी, इदानीम जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ति, जड़ पदार्थ विषयक जो चित्त वृत्ति है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षा वैलक्षण्यम दर्शयितु मा, ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा जो जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ति है वहां पे विलक्षणता है। वहां पे क्या दोनों माना जाता है, वृत्ति व्याप्ति भी मानते फल व्याप्ति भी मानते हैं, इसलिए उसको थोड़ा दिखा रहे हैं जड़ पदार्थ थी। भाष्य मूल में देखिए, जड़ पदार्थाकाराकारित चित्त वृत्तेर विशेषो अस्ति, जड़ पदार्थाकाराकारित जड़ पदार्थ विषयक जो चित्त वृत्ति वहां तो थोड़ा भेद है, विशेष है, भेद है। क्या भेद है दिखा रहे हैं, दर्शित जड़ पदार्थ थी। इसको पहले मूल में ही देख लीजिए, टीका मैंने मूल में ही पहले दी। तथा ही अयम घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्ति अज्ञातम घटं विषयीकृत्य तद्गत ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासेन। देखो वहाँ के अयम घट इति, जब हमने घट की तरफ देखा, अंतकरण चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से घट देश में गया, विषय को व्याप्त किया, घटाकार वृत्ति बनी, तो घटाकाराकारित जो चित्त वृत्ति है घट घट विषय चित्त वृत्ति, अज्ञात घट को विषय करके, है ना, तदगत अज्ञान निरसर पुरस्सर, निरसन पुरस्सर। तो देखो विषय गत अज्ञान की निवृत्ति करके, विषय मतलब घटावच्छिन्न चैतन्य जो अज्ञान है उसको निवृत्ति करेगी वृत्ति, और स्वगत चिदाभासेन, देखो यहाँ आ गया ना वृत्ति में प्रतिफलित स्वगत चिदाभासेन, मूल में आ गया वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास के द्वारा जड़म घटम अपि भासयति, जड़ घट को प्रकाशित कर देती है। तो जो चिदाभास है यही है फल, इस फल चैतन्य का जो संबंध बना इसी को कह देते फल व्याप्ति, मूल देखो आ गया। तो स्वगत चिदाभासेन दे दिया ना मूल में, तो अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत, स्व यानी वृत्ति, इसलिए लोग को लोग वृत्ति गत जो चिदाभास है, वृत्ति प्रतिफलित जो चिदाभास है, उस चिदाभास के द्वारा जड़म घटम अपि भासयति, जड़ घट को भी प्रकाशित कर देगी, यानी फल चैतन्य का संबंध बना। फल का मतलब वही हुआ वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास, चिदाभास के द्वारा प्रकाशन हुआ ना, इसी को कहते फल व्याप्ति। इसलिए फल का मतलब है वृत्ति प्रतिफलित जो चिदाभास हुआ, इसी को फल शब्द से कहते हैं। याद दे दिए मूल में, वहां फल शब्द नहीं दिए, लेकिन स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अभी भाषयति, सीधा ऐसे दे दिए। तो अब देख लीजिए टीका में आगे यहाँ क्या व्याख्या कर रहे हैं, देखना। हाँ जी, हाँ जैसे मेरा मेरी चक्षु से, हाँ की वृत्ति देश में गई, हाँ हाँ अंतःकरण गया, चेतन तो हर जगह है, जाएगा क्या, जाना को नहीं है, चेतन हर जगह है। हाँ, तो आप बोलते हो कि जब वृत्ति वहां जाएगी तो घट को, घट का ज्ञान दूर होगा और घट का प्रकाश होगा, तो एक ही बात होगी ना। नहीं, एक बात नहीं है,
मतलब वो क्या वृत्ति के द्वारा जो विषय विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान हो तो दूर हो गया, क्योंकि वृत्ति ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान हटेगा। और वृत्ति प्रतिफलित सीधा भाष से उस विषय में अतिशय आ जाएगा, प्रकाशन यही प्रकाशन हो गया कहते हैं। एक साथ में होता है लेकिन तो अलग अलग बातें हैं ना, क्योंकि हर जगह नहीं होता ना, ब्रह्म आत्मा में तो नहीं होता ना, अतिशय नहीं आता। जैसे देखिए बाहर अगर आईना ले करके इधर कमरे के अंदर करोगे तो आईने का जो प्रतिबिंबित प्रकाश है, प्रतिफलित प्रकाश आपके कमरे में आ जाएगा, लेकिन उसी आईने को अगर सूर्य की तरफ कर दो तो सूर्य में कोई अतिशय होगा है कि नहीं भाई? बाहर आप सूर्य प्रकाश में खड़े होकर के दर्पण को इधर ऐसे किए तो कमरे में तो आएगा प्रकाश। इसलिए कोई कोई गाड़ी आदि जाती है तो कभी कभी आ जाता है कमरे में, लेकिन वही सूर्य की तरफ आप कर दो तो अतिशय नहीं जाएगा सूर्य में, कोई सूर्य में चमक नहीं आ जाएगी। इसी प्रकार विषय में जब वहां पे अतिशय तो आ जाता है, लेकिन चैतन्य स्वयं प्रकाश होने से आत्मा में ऐसा अतिशय नहीं होता, तो फल व्याप्ति नहीं है ऐसा कहते हैं। तो जैसे वहां प्रतिबिंबित प्रकाश हुआ ऐसे यहां पे ही देखे वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास उससे अतिशय होता है विषय में, विषय का प्रकाशन कह देते हैं। और वहां पे जो ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास के द्वारा ब्रह्म में अतिशय नहीं आता है इसलिए वहां फल व्याप्ति नहीं कहती। तो इसलिए फल व्याप्ति मतलब फल का संबंध नहीं होता ब्रह्म के साथ। और ये टीकाकार क्या करे उसी ब्रह्म को ही फल शब्द से ले रहे, तो मतलब ये थोड़ा सा मतांतर जैसा लग रहा है, कुछ शब्दावली अंतर आ रही है, क्योंकि हर जगह तो महाराज जी यही बताया है फल शब्द से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ही दिखाए बताते हैं, ऐसा आता है। यही मुझे कई जगह मैं लिख के भी रखा हूँ, चलो इसे फिर भी इसको पूछ लेंगे एक बार देखिए। तो यहाँ पे तदुक्तम से आगे पहले टीका में यहाँ तक देख लीजिए, जड़ पदार्थ थी ठीक, इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि इति अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्माकारा वृत्ति तदावरकम अज्ञानम मात्र निवर्तयति। देखो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से अज्ञानावच्छिन्न जो ब्रह्माकारा वृत्ति, ये तो स्पष्ट है कि अज्ञान से विशिष्ट ब्रह्म विषयक वृत्ति है, शुद्ध शुद्ध विषयक नहीं है, अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म विषयक वृत्ति है। वह वृत्ति क्या करेगी, तदावरकम अज्ञान मात्रम निवर्तयति, उस जो है ब्रह्म को आवरण करने वाले अज्ञान मात्र की निवृत्ति कर देती। और ब्रह्म तु स्वप्रकाशात्मत्वात्, ब्रह्म किंतु ब्रह्म तो कैसे स्वयं प्रकाश रूप है, इसलिए स्वयं एव प्रकाशते, स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। न तु वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभासेन चैतन्यम प्रकाशते, देखो यहां दे दिए ना, वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास के द्वारा चैतन्य प्रकाशित नहीं होता, तत्र तस्य असामर्थ्य, क्योंकि उसका प्रकाशन करने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो जो है जो स्वयं प्रकाश है उसका कैसे प्रकाशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या है, अयम घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्तिस्तु, घटाकाराकारित जो चित्त वृत्ति है या तो घटावच्छिन्न चैतन्यावारक अज्ञानम निवर्तयम निवर्तयमाना, घटाकाराकारी चित्त वृत्ति क्या करे, घटावचिन चैतन्य को आवरण करने वाले अज्ञान को निवृत्त करते हुए स्व प्रतिबिंबित चिदाभासेन जड़म घटम अपि प्रकाशयति, स्व प्रतिबिंबित चिदाभास के द्वारा जो जड़ घट को भी प्रकाशित करती है, यही है फल व्याप्ति। देखो दे दिए, यहाँ तो आ गया ना, स्व यानी वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसके द्वारा घट को प्रकाशित कर रही, यही तो फल व्याप्ति है, और कौन सी फल व्याप्ति है। और इस प्रकार की फल व्याप्ति वहां नहीं होती, मतलब ब्रह्माकारा वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास के द्वारा ब्रह्म में अतिशय नहीं आता, वो इसलिए वहां फल व्याप्ति नहीं है। ये तो एकदम स्पष्ट है यहाँ पे, लेकिन ऊपर की जो दो पंक्ति है वो थोड़ा सा फल चैतन्य से उन्होंने स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को ले लिए, इसलिए वो थोड़ा सा अलग ही लगा। अतस्ततो विशेषो अस्ति, इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा घटाकार वृत्ति में थोड़ा सा विशेष भेद है।
एतादेव प्रपंच हेतुम प्रतिजानीते, इसी को विस्तार से दिखाने के लिए प्रतिज्ञा कर लिए तथा ही, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखिए, जड़ पदार्थ विषयणीम चित्त वृत्ति में अभिनीय दर्शयती। जड़ पदार्थ विषयक वृत्ति कैसी बनती है? अयम घट अयम पट इत्यादि वृत्ति है, जड़ पदार्थ विषयक वृत्ति है, अभिनय करके दिखाती। वृत्ति संबंधात प्राग घटस्य अज्ञातत्वात्। जब तक वृत्ति का संबंध नहीं बना है तब तक घट क्या है? अज्ञात है, अज्ञात। उस अज्ञातम घटम विषयीकृत, उस अज्ञात घट को विषय बना करके जो प्रवृत्त हुई, परिणत हुई है चित्त वृत्ति, चित्त का परिणाम हो गया वृत्ति, वह चित्त वृत्ति क्या करेगा? घटा घटगत अज्ञानम दूरी कुरवाणा, घटगत अज्ञान को दूर करते हुए घटम अपि भाषयति, घट को भी प्रकाशित करती। अस्मिन् अर्थे वृद्ध सम्मति माह, इसी अर्थ में वृद्ध की, वृद्ध यानी प्राचीन विद्वानों की सम्मति, पंचदशीकार ने कहा है तदुक्तम। तो श्लोक देख लीजिए मूल वाला, बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावेतौ व्यापनुतो घटम तत्रा ज्ञानम धियानस्येदाभासेन घटस्फुरे। बुद्धि और बुद्धि में स्थित जो चिदाभास, ये दोनों ही घट को व्याप्त करते हैं। ये देखो यहाँ भी एकदम स्पष्ट आ रहा है, बुद्धि भी व्याप्त करती है घट को, इसको क्या कहेंगे? वृत्ति व्याप्ति। अब बुद्धि प्रतिफलित चिदाभास घट को व्याप्त करेगा, इसको क्या कहेंगे? तो चिदाभास ही तो फल हुआ, शुद्ध हुआ पहले से ही, जो है वह शुद्ध हो गया, आवरण हट के शुद्ध हो गया है, उसको फल नहीं, वृत्ति। यहाँ वृत्ति बुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदाभास दोनों घट को व्याप्त करते हैं। चलो बुद्धि का जो की व्याप्ति हुई, जो घट में वृत्ति बनी, वृत्ति की, वृत्ति का संबंध बना, इसको वृत्ति व्याप्ति कह देंगे। और चिदाभास का जो संबंध बना यानी चिदाभास जनित अतिशय आया घट में, इसी को कहते फल व्याप्ति। तो तत्र अज्ञानम धिया नश्यत, इन दोनों के बीच में बुद्धि के द्वारा यानी वृत्ति के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है, और आभासे न चिदाभास के द्वारा, जिसको फल शब्द से कहा जाता है अन्यत्र, उस आभास, यहाँ भी देखो आभास के द्वारा, आभासे न घटा स्फुरेत, आभास के द्वारा घट का स्फुरन हो जाता है, प्रकाशन हो जाता है, ये फल व्याप्ति से कहते इति। ठीक है, हमें देख लीजिए, तो बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिंबित चिदाभासस्य। देखो विग्रह भी दे दी, ये नहीं कि कोई आप सोचो कि तत् शब्द का घुमा के अर्थ आप तो कर रहे हो, आप अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ले ले रहे हो। तो देखो टीका में भी दिए, बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिंबित चिदाभासस्य, बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास, ये दोनों बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावेतौ, ये दोनों ही कौन कौन? बुद्धि चिदाभासौ घटम व्याप्नुतः, घट को दोनों ही व्याप्त करते हैं। तत्र इन दो के बीच में, तयोर मध्य धिया यानी वृत्तिया, बुद्धि वृत्ति के द्वारा घटा ज्ञानम नश्येत, है ना, वृत्ति के द्वारा क्या करेगी? घट अज्ञान, तत्र अज्ञानम धिया नश्येत, बुद्धि के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब चिदाभासे न तो घट स्फुरेत, चिदाभास के द्वारा घट का स्फुरण हो जाता है, यही फल व्याप्ति है इत्यर्थ। अत्र अनुरूपम दृष्टांतम है यथा दीपेति, अब यहाँ पे अनुरूप दृष्टांत दे रहे मूल में, यथा दीप प्रभा मंडल मंडल मंडलम अंधकार गतम घट पटादिकं विषयीकृत्य तदगत अंधकार निरसन पुरःसरम स्वप्रभया तदपि भाषयति। जैसे दीप की प्रभा मंडल जितना वो फैल जाता है वो मंडल कहते हैं, दीप की प्रभा मंडल अंधकार गतम घटपटादिकम विषय कृत्य, अंधकार में रहने वाले घटपटादि को विषय करके, क्योंकि वहाँ पहुँचेगा तभी तो अंधकार दूर करेगा, घट उधर है और यहाँ प्रकाश यहाँ करे तो नहीं होगा ना, तो घटपटादि को विषय बना करके उसमें रहने वाले अंधकार को निराशपूर्वक, अंधकार को हटा करके तत्पूर्वक ही अपनी प्रभा के द्वारा उस घटपट आदि को प्रकाशित करते। किंतु अब दूसरा ये दीप है उसको घट से ढक दो, तब वहां केवल घट जलाना नहीं पड़ेगा दीपक, केवल घट आवरण को हटाना पड़ेगा, आवरण हटा दोगे घट स्वयं प्रकाश है ना, इसलिए दूसरे प्रभा, दूसरे दीपक की प्रभा से उसमें अतिशय नहीं आएगी, इस तरह से वहाँ वो नहीं रहता।
देखिए टीका में आत्रा, यहाँ टीका में देख ले, यथा अंधकारा अवस्थितम घटादिकं विषयी कृत्य, अंधकार में अवस्थित जो घटादि है उसको विषय बना करके प्रवर्तमानम, प्रवृत्त हो रहा है कौन, दीप प्रभा मंडलम, दीप प्रभा मंडल, वह क्या करेगा, घटावर का अंधकार निवृत्ति द्वारा, घट को जो आवरण करता है अंधकार, उस अंधकार को हटा करके अंधकार की निवृत्ति के माध्यम से स्वप्रभया घटादिकम प्रकाशयति, अपनी प्रभा से घटादि को भी प्रकाशित कर देता है तद्वत। बस वैसे ही यहाँ भी समझ लेना, यहाँ भी जो है बुद्धि वृत्ति, बुद्धि जो है अपने परिणाम वृत्ति के द्वारा विषयगत अज्ञान को दूर करेगी, और वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास के द्वारा विषय का प्रकाशन हो जाता है, तो दोनों ही व्याप्त कर दिए इत्यर्थ। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ फल व्याप्ति नहीं होती है, मुख्य बता दिए, आगे हम लोग कल करेंगे। 30वां खंड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।